नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 2017 में लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। अपनी नई किताब टूट पोर लव फ्रांस में किया खुलासा। कहा, अपने धुर दक्षिणपंथी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की करेंगे कोशिश। सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर सहमत हुए भारत म्यांमार। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN के बीच हुई थी गोलीबारी। म्यांमार के एक दिवसीय दौरे पर हैं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत म्यांमार सीमा पर 5.5 तीव्रता का भूकंप। असम में भी महसूस किए गए झटके, जान माल का कोई नुकसान नहीं। सऊदी अरब ने मिस्र के नागरिक को सुनाई सजा, 6 साल की हुई कैद। सऊदी अरब सेना के एक खुफिया दस्तावेज को ईरान के दूतावास को भेजने में पाया गया दोषी। 1971 के मुक्ति संग्राम का दुष्प्रचार करने वालों को मिलेगी सजा। शेख हसीना कैबिनेट ने मसौदे को दी मंजूरी। मुक्ति संग्राम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने का है प्रावधान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।